केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं रानी मिश्रा, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। हमारी टीम आज पहुंची हुई थी सैदापुर पंचायत, ये जानने के लिए कि वहां पर इस बार पंचायत चुनाव को लेकर के किस तरह का माहौल बना हुआ है। हमने जानने की कोशिश की वहां के मुखिया प्रत्याशी बलराम पासवान जी से कि उन्होंने कितनी तैयारी कर ली है, इस बार जनता का मूड कैसा है, कितना समर्थन उन्हें मिल रहा है और क्या लगता है कि वो जीत के कितने करीब है। अगर जीत जाएंगे तो क्या कुछ काम करेंगे, इस बार क्या चुनावी मुद्दा है उनका और वाकई में विकास को लेकर के वो क्या सोचते हैं। हमने बहुत सारी बातों के जरिए उनसे मन को टटोलने की कोशिश की, उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स, मैं हूं ओंकार झा। झारखंड में चुनाव की गर्मी तेज हो गई है, आचार संहिता लगा हुआ है, प्रत्याशी अपने नामांकन की भी तैयारी कर लिए हैं, कई जगह नामांकन भी हो चुका है। प्रत्याशी कुछ दिनों के बाद जब उनका चुनाव चिन्ह आ जाएगा तो चुनाव प्रचार में जोर शोर से लग जाएंगे। अभी हमारी टीम गोड्डा सदर प्रखंड के सैदापुर पंचायत में है और यहाँ के जो भावी प्रत्याशी हैं बलराम पासवान जी, उनसे हमारी मुलाकात हुई, उन्हीं से जानते हैं कि वो चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, क्या उद्देश्य लेके आए हैं, और क्या करना चाहते हैं अपने पंचायत के लिए। बलराम जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में, आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधु को मेरा नमस्कार और पंचायतवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। मैं बहुत दिनों से पंचायत में समाज सेवा कर रहा हूं और दो बार पंचायत चुनाव हो चुका है, लेकिन समाज की जो स्थिति है वो बदतर होते जा रही है। जिन लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए उनको आज तक सुविधा मिल नहीं पा रहा है और जिनको सुविधा मिलना नहीं चाहिए उनको भी सुविधा मिल रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो मूल सुविधाएं हैं समाज में। आपके पंचायत में कुल कितने वार्ड हैं और उस वार्ड में समस्या क्या है? हमारे पंचायत में कुल 15 वार्ड हैं और सभी वार्ड में समस्या, सबसे पहली समस्या ये है कि लोगों का जो है राशन कार्ड नहीं बना है जी। और दूसरा समस्या ये है कि पानी की जो सुविधा है वो चरम सीमा पे है, प्यास से लोग मरते हैं। नदी जो है, हम लोगों की नदी ही स्रोत है पानी का, और नदी इतना गंदा हो चुका है, उस गंदे नदी से लोग पानी पीते हैं और पानी का बहुत अभाव है हमारे यहाँ। ये हर वार्ड में यही समस्या है, पानी की समस्या, राशन कार्ड की समस्या है। हाँ, वृद्धा पेंशन की भी बहुत समस्या है और इंदिरा आवास की भी बहुत समस्या है। जरूरतमंद लोगों को आज तक उसका सूची में नाम तक नहीं चढ़ा है, तो आवाज मिलने की तो दूर दूर की बात है। अगर सैदापुर पंचायत की जनता बलराम पासवान को अपना मुखिया चुनती है, उनके लिए 10 ऐसे काम बताएं जो आपके द्वारा होगा। सबसे पहला काम मेरा रहेगा, जिन गरीब लोगों का राशन कार्ड नहीं बना है उनका मैं राशन कार्ड बनवाऊंगा, अपने स्तर से पदाधिकारी से मिल करके बैठ के बात करके। और दूसरा काम रहेगा कि जो पानी की समस्या है उसको मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। तीसरा है नाली की जो समस्या है गांव में, घर में, रोड की समस्या है, ये समस्या को दूर करने का कोशिश करूंगा। मैं इंदिरा आवास सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ, जो जरूरतमंदों को नहीं मिल पाता है, उसका मैं पदाधिकारी से मिल करके, चाहे मुझे रांची जाना पड़े, चाहे मुझे गोड्डा डीसी साहब से मिलना पड़े, उनसे मिल करके सबसे पहले इन लोगों का नाम मैं सूची में क्रमबद्ध चढ़वाऊंगा, उसके बाद इन लोगों को आवाज दिलवाऊंगा। और जहां तक बात होता है इस युग में भ्रष्टाचार का, तो उसको मिटाने का मैं प्रयास करूंगा कि कोई भी पदाधिकारी, कोई भी सेवक, सरकारी सेवक अगर इसमें लिप्त होता है, पकड़ा जाता है, तो उसे कड़ी से कड़ी दंड देने का काम करूंगा मैं। आपकी सोच बहुत अच्छी है, आपने बताया कि आप वृद्धा पेंशन पे काम करेंगे, आवास योजना पे काम करेंगे, सबसे पहला काम बताया जो गरीब लाभुक हैं जिनको राशन कार्ड मिलना चाहिए उनको राशन कार्ड नहीं है, उससे आप काम करेंगे जी। अब हम बात करते हैं आपके पंचायत में शिक्षा की स्तर की, शिक्षा का स्तर कैसा है आपके पंचायत?
शिक्षा का स्तर सरकार के तरफ से ही ढीला ढाला है। जो भी शिक्षक हैं, उन शिक्षकों को सौ समय बच्चों को उपस्थित होकर के उसको पढ़ाने का काम करवाएंगे। जब मैं मुखिया पद से जीत कर आऊंगा तो शिक्षा में सबसे सुधार करने का काम करूंगा। समय पे स्कूल जाके उसका देख रेख करूंगा कि कैसे शिक्षक इन बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसे उनका शिक्षा का आदान प्रदान होता है, कैसे स्कूल में विकास होता है। स्कूल का जो चारदीवारी है वो भी मेरी सबसे बड़ी समस्या है। बच्चे खेलते हैं और जाके रोड के बगल में है, वो घेरा हुआ नहीं है, जिसके कारण से कुछ लोग भी जाते आते बच्चों का ध्यान आकृष्ट हो जाता है इस ओर कि कौन जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इस सब बिंदु पर भी मैं काम करूंगा। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। आपके पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है? यस है। क्या उसमें डॉक्टरों की सुविधा है? नहीं, सिर्फ मैडम बैठती है, जो नर्स लोग हैं यहाँ से, जो क्या बोलते एनएम लोग जो आती है तो उस केंद्र पे कभी कभी आती है और बैठती है, जो भी सेवा देती है वो लोग। अभी तो हम उसके विषय में नहीं ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन जब मैं आ जाऊंगा तो इसमें सुधार करने का काम करूंगा कि डॉक्टर आए, दवाई मिले और सौ समय उसको अगर इमरजेंसी हो तो गोटा हॉस्पिटल ले जाने का काम करूंगा। मैं अपने स्तर से ये सब सुविधा काम करने का प्रयास करूंगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे युवाओं के लिए खेल कूद का मैदान है? युवाओं के लिए हमारे यहाँ खेलकूद का मैदान नहीं है और इसका कोई सुविधा यहाँ कोई सरकारी जगह भी नहीं है, जिसके कारण व्यवस्था को आपको कैसे देखेंगे आप? इस व्यवस्था को युवाओं के लिए जब भी आएगा मौका मुझे तो कहीं ना कहीं गोचर मैदान है हमारे यहाँ, उस मैदान पे मैं सिर्फ उसको समतल करके या उसमें सुदृढ़ीकरण करके उसको वहाँ खिलाड़ियों को प्रयास करूंगा कि गांव स्तर का है वहाँ खेले कूदे और शाम सुबह और अपना भाग्य को रोशन करे। और आपने बहुत अच्छा बताया और अच्छी सोच लेके आए हैं कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या करना चाहते हैं पंचायत के लिए। अब लास्ट सवाल आपसे ये, आप अपने पंचायत की जनता को संदेश क्या देना चाहते हैं? हम पंचायत के जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग बार बार मुखिया के द्वारा ठगे जाते हैं, अच्छे प्रतिनिधित्व को चुनिए जो कि काम कर सके, जो समाज का सेवा कर सके और सारी सुविधाओं को आपके समक्ष ला के आपके बीच में फैसला हो, ना कि पंचायत भवन में हो, ना किसी के घर में हो, और उचित मार्गदर्शन के साथ हो, समाज के साथ बैठ करके हो। आप यही संदेश देना चाहते जी कि जो भी कार्य होगा सबके सामने होगा, खुले में होगा जी, कोई घुसखोरी प्रथा नहीं चलेगा। अगर किसी को ये पता चल जाएगा कि मेरा आदमी या मैं किसी से भी एक रुपया लेने का काम करता हूं तो आप आइए, 10 आदमी के साथ में मैं इस्तीफा लिख दूंगा, मुझे मुखिया से कोई लोभ लालच नहीं है। बहुत अच्छा संदेश दिया आपने अपने पंचायत की जनता के लिए कि निस्वार्थ भाव से आप काम करने के लिए आए हैं और समाज का जिम्मा उठाने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलराम पासवान है, ग्राम पंचायत सैदापुर है और मैं प्रखंड गोड्डा है, गोड्डा सदर, जिला गोड्डा है, थाना गोड्डा मुफस्सिल है। देखा आपने एक युवा प्रत्याशी का क्या कहना है कि भ्रष्टाचार नहीं होगे हमारे टाइम में। इनका बलराम जी का ये कहना है सबको पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। फिलहाल बने रहे केलांचल टाइम्स के साथ, धन्यवाद। अरे ये को भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, इनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ हुआ का देखा तो हम तो का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।